भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में बॉर्डर गाउस का ट्रॉफी का पहला मैच खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया के पकड़ में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है। जी हां, बता दें आपको कि चौथे दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 104 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 323 रनों का लक्ष्य दिया है। एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी का जलवा ऑस्ट्रेलियाई टीम ने देखा। बड़ी बात यह थी कि पहली पारी में अश्विन ने 3 विकेट झटके और दूसरी पारी में एरन फिंच और हैरिस को अश्विन ने सेट नहीं होने दिया, जिसके जवाब में दोनों की विकेटें अश्विन के हाथों में तो नहीं लेकिन बाकी गेंदबाजों को मिली। यानी कि अश्विन ने पूरी तरह से अपना दबदबा कायम रखा है, बस इस मैच में ऑफ स्पिनर्स का जलवा देखने को मिल रहा है। नाथन लियोन ने भी भारत के खिलाफ दूसरी पारी में 6 विकेटें हासिल की। ऐसे में अब पांचवा यानी कि कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम यहां पर मैच जीतने के लिए उतरेगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।